सीमित राष्ट्र भारत के सम्माननीय मंच पर आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूं।
का चाबी, जिसको हम सांचो कहते हैं, चाबी हस्तांतरण कर देने के लिए जो हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्र भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी को जनकपुर का चाबी हस्तांतरण कर देने के लिए मेयर साहब को हार्दिक अनुरोध करता हूं। अब यह जनकपुर संपूर्ण रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को अर्पित है। उसी प्रकार से जनकपुर उप महानगर पालिका के तरफ से कुछ उपहार भेंट कर देने हेतु मेयर साहब को लाल किशोर शाह जी को हार्दिक अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। अब मैं प्रदेश सरकार के तरफ से, प्रदेश नंबर दो के सरकार के तरफ से, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को 121 किलो को माला लगा करके स्वागत कर देने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूं। सम्मान दे लो, एकरा लेल हम संपूर्ण मिथिलवासी, जनकपुरवासी आ प्रदेश नंबर दो के संपूर्ण जनता के नमन करें, हार्दिक आभार व्यक्त करे छी। पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुख पान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, सरस क्षेत्र मिथिलांचल थी। भाई और बहनों, अगस्त 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार नेपाल आया था तो संविधान सभा में ही मैंने कहा था कि जल्द ही मैं जनकपुर आऊंगा। मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं तुरंत आ नहीं सका, आने में मुझे काफी विलंब हो गया और इसलिए पहले तो मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मन कहता है कि शायद संभवतः सीता मैया जी ने ही आज भद्रकाली एकादशी का दिन ही मुझे दर्शन देने के लिए तय किया। मेरा बहुत समय से मन था कि राजा जनक की राजधानी और जगत जननी सीता की पवित्र भूमि पर आकर उन्हें नमन करूं। आज जानकी मंदिर में दर्शन कर मेरी बहुत सालों की जो कामना थी उस मनोकामना को पूरी कर एक जीवन में धन्यता अनुभव करता। मेरो यश पटक को नेपाल भ्रमण, प्रधानमंत्री को रूपमा यंदा पनी प्रधान तीर्थ यात्री को रूपमा आने। भाई और बहनों, भारत और नेपाल दो देश, लेकिन हमारी मित्रता आज की नहीं त्रेता युग की है। राजा जनक और राजा दशरथ ने
सिर्फ जनकपुर और अयोध्या को ही नहीं, भारत और नेपाल को भी मित्रता और साझेदारी के बंधन में बांध दिया था। ये बंधन है राम सीता का, ये बंधन है बुद्ध का भी और महावीर का भी, और यही बंधन रामेश्वर में रहने वालों को खींचकर पशुपतिनाथ लेकर के आता है। यही बंधन लुम्बिनी में रहने वालों को बोधगया ले जाता है, और यही बंधन, यही आस्था, यही स्नेह आज मुझे जनकपुर खींच करके ले आया है। महाभारत रामायण काल में जनकपुर का, महाभारत काल में विराटनगर का, उसके बाद सिमरौनगढ़ का, बुद्ध काल में लुम्बिनी का, ये सम्मान युगों युगों से चलता आ रहा है। भारत नेपाल संबंध किसी परिभाषा से नहीं, बल्कि उस भाषा से बंधे हुए हैं। ये भाषा है आस्था की, ये भाषा है अपनेपन की, ये भाषा है रोटी की, ये भाषा है बेटी की, ये मां जानकी का धाम है, ये मां जानकी का धाम है, और जिसके बिना अयोध्या अधूरी है। हमारी माता भी एक, हमारी आस्था भी एक, हमारी प्रकृति भी एक, हमारी संस्कृति भी एक, हमारा पथ भी एक, और हमारी प्रार्थना भी एक, हमारे परिश्रम की महक भी है और हमारे पराक्रम की गुंज भी है, हमारी दृष्टि भी समान और हमारी सृष्टि भी समान है, हमारे सुख भी समान और हमारी चुनौतियां भी समान है, हमारी आशा भी समान, हमारी आकांक्षा भी समान है, हमारी चाह भी समान और हमारी राह भी समान, हमारे सपने भी समान और हमारे संकल्प भी समान है, हमारा मन, हमारे मनसूबे और हमारी मंजिल एक ही है। ये उन कर्मवीरों की भूमि है जिनके योगदान से भारत की विकास गाथा में और गति आती है। साथियों, नेपाल के बिना भारत की आस्था भी अधूरी है, नेपाल के बिना भारत का विश्वास अधूरा है, इतिहास अधूरा है, नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे, नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे। भाई और बहनों, आपकी धर्मनिष्ठा सागर से भी गहरी है और आपका स्वाभिमान सागर माथा से भी ऊंचा है। जैसे मिथिला की तुलसी भारत के आंगन में पावनता, शुचिता और मर्यादा की सुगंध फैलाती है, वैसे ही
नेपाल से भारत की आत्मीयता इस संपूर्ण क्षेत्र को शांति, सुरक्षा और संस्कार की त्रिवेणी से सींचती है। मिथिला की संस्कृति और साहित्य, मिथिला की लोक कला, मिथिला का स्वागत सम्मान, सब कुछ अद्भुत है। और मैं आज अनुभव कर रहा हूं, आपके प्यार को अनुभव कर रहा हूं, आपके आशीर्वाद का एहसास हो रहा है। पूरी दुनिया में मिथिला संस्कृति का स्थान बहुत ऊपर है। कवि विद्यापति की रचनाएं आज भी भारत और नेपाल में समान रूप से महत्व रखती है। उनके शब्दों की मिठास आज भी भारत और नेपाल दोनों को साहित्य में घुली हुई है। जनकपुर धाम आकर आप लोगों का अपनापन देखकर ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरी जगह पे पहुंच गया। सब कुछ अपने जैसा, हर कोई अपनों जैसा, सब कुछ अपनापन, ये सब अपने तो हैं। साथियों, नेपाल अध्यात्म और दर्शन का केंद्र रहा है। ये वो पवित्र भूमि है जहां लुम्बिनी है, वो लुम्बिनी जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। साथियों, भूमि कन्या माता सीता उन मानवीय मूल्यों, उन उसूलों और उन परंपराओं की प्रतीक है जो हम दो राष्ट्रों को एक दूसरे से जोड़ती है। जनक की नगरी सीता माता के कारण स्त्री चेतना की गंगोत्री बनी है। सीता माता यानी त्याग, तपस्या, समर्पण और संघर्ष की मूर्ति। काठमांडू से कन्याकुमारी तक हम सभी सीता माता की परंपरा के वाहक हैं। जहां तक उनकी महिमा की बात है तो उनके आराधक तो सारी दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये वो धरती है जिसने दिखाया कि बेटी को किस प्रकार सम्मान दिया जाता है। बेटियों के सम्मान की यह सीख आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। साथियों, नारी शक्ति की हमारे इतिहास और परंपराओं को संजोने भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब जैसे यहां की मिथिला पेंटिंग्स को अगर उसको देखें तो इस परंपरा को आगे बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान हमारी माताओं, बहनों का, महिलाओं का रहा है। और मिथिला की यही कला आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस कला में भी हमें प्रकृति की, पर्यावरण की चेतना हर पल नजर आती है। आज महिला सशक्तिकरण और जलवायु परिवर्तन की चर्चा के बीच मिथिला का दुनिया को यह बहुत बड़ा संदेश है। राजा जनक के दरबार में गार्गी जैसी विदुषी और
अष्टावक्र जैसे विद्वान का होना यह भी साबित करता है कि शासन के साथ साथ विद्वता और अध्यात्म को कितना महत्व दिया जाता था। राजा जनक के दरबार में लोक कल्याणकारी नीतियों पर विद्वानों के बीच बहस होती थी। राजा जनक स्वयं उस बहस में सहभागी होते थे और उस मंथन से जो नतीजा निकलता था उसको प्रजा के हित में, जनता के हित में और देश के हित में वे लागू करते थे। राजा जनक के लिए उनकी प्रजा ही सब कुछ थी। उन्हें अपने परिवार के रिश्ते नाते किसी से कोई मतलब नहीं था, बस दिन रात अपनी प्रजा की चिंता करने को ही उन्होंने अपना राजधर्म बना दिया था। इसलिए ही राजा जनक को विदेह भी कहा गया था। विदेह का अर्थ होता है जिसका अपनी देह यानी शरीर से भी कोई मतलब न हो और सिर्फ जनहित में ही खुद को खपा दे, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। भाइयों और बहनों, राजा जनक और जल कल्याण के इस संदेश को लेकर ही आज नेपाल और भारत आगे बढ़ रहे हैं। आपके नेपाल और भारत के संबंध राजनीति, कूटनीति, समर नीति इससे भी परे देव नीति से बंधे हुए हैं। व्यक्ति और सरकारें आती जाती रहेगी पर यह हमारा समान अजरा अमर है। ये समय हमें मिलकर संस्कार, शिक्षा, शांति, सुरक्षा और समृद्धि की पंचवटी की रक्षा करने का है। हमारा ये मानना है कि नेपाल के विकास में ही क्षेत्रीय विकास का सूत्र जुड़ा हुआ है। भारत और नेपाल की मित्रता कैसी रही है इसको रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से हम भली भांति समझ सकते हैं। जे जेन मित्र दुख होई दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। यानी जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उनको देखने मात्र से ही पाप लगता है और इसलिए अगर आपका अपना दुख पहाड़ जितना विराट भी हो तो उसे ज्यादा महत्व मत दो, लेकिन अगर मित्र का दुख धूल जैसा भी हो तो उसे पर्वत जितना मान करके जो कर सकते हो करना चाहिए। साथियों, इतिहास साक्षी रहा है जब जब एक दूसरे पर संकट आए भारत और नेपाल दोनों मिलकर खड़े हुए। हमने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया है। भारत दशकों से नेपाल का एक स्थायी विकास का साझेदार है। नेपाल हमारी नेबरहुड फर्स्ट ये पॉलिसी में सबसे आगे आता है, सबसे पहले आता है। आज भारत
दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो आपका नेपाल भी तीव्र गति से विकास की ऊंचाइयों को आगे चढ़ रहा है। आज इस साझेदारी को नई ऊर्जा देने के लिए मुझे नेपाल आने का अवसर मिला है। भाइयों और बहनों, विकास की पहली शर्त होती है लोकतंत्र। मुझे खुशी है कि लोकतांत्रिक प्रणाली को आप मजबूती दे रहे हैं। हाल में ही आपके यहां चुनाव हुए, आपने एक नई सरकार चुनी है। अपनी आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपने जनादेश दिया है। एक वर्ष के भीतर तीन स्तर पर चुनाव सफलतापूर्वक कराने के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेपाल के इतिहास में पहली बार नेपाल के सभी सात प्रांतों में प्रांतीय सरकारें बनी है। अपने सपने पूरे करने का अवसर और अधिकार देती है। भारत ने इस शक्ति को महसूस किया है और आज भारत का हर नागरिक सपनों को पूरा करने में जुटा हुआ है। मैं आप सभी की आंखों में वो चमक देख सकता हूं कि आप भी अपने नेपाल को उसी राह पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपकी आंखों में नेपाल के लिए वैसे ही सपने देख रहा हूं। साथियों, हाल में ही नेपाल के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान ओली जी का स्वागत करने का अवसर मुझे दिल्ली में मिला था। नेपाल को लेकर उनका विजन क्या है, ये जानने को मुझे अवसर मिला। ओली जी ने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली के सपने संजोए हुए हैं। नेपाल की समृद्धि और खुशहाली की कामना भारत भी हमेशा करता आया है, करता रहेगा। प्रधानमंत्री ओली जी को उनके इस विजन को पूरा करने के लिए 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये ठीक उसी प्रकार की सोच है जैसी मेरी भारत के लिए है। भारत में हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रही है। समाज का एक भी तबका, देश का एक भी हिस्सा विकास धारा से छूट न जाए, ऐसा प्रयास हम लगातार करते रहे हैं। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में विकास का रथ दौड़ रहा है। विशेष तौर पर हमारी सरकार का ध्यान उन क्षेत्रों में ज्यादा रहा है जहां अब तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई थी। इसमें पूर्वांचल यानी पूर्वी भारत, जो नेपाल की सीमा से सटा है, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूपी से लेकर बिहार तक, नॉर्थ ईस्ट पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक, इस पूरे क्षेत्र को देश के बाकी हिस्से के बराबर खड़ा करने का संकल्प हमने लिया है। इस क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है, इसका लाभ निश्चित रूप से पड़ोसी के नाते नेपाल को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, जब मैं सबका साथ सबका विकास की बात करता हूं तो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, सभी पड़ोसी देशों के लिए भी
मेरी यही कामना होती है। और अब जब नेपाल में समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली की बात होती है तो मेरा मन भी और अधिक हर्षित हो जाता है। 125 करोड़ भारतवासियों को भी बहुत खुशी होती है। जनकपुर के मेरे भाई और बहनों, हमने भारत में एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। ये संकल्प है न्यू इंडिया का। 2022 को भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब तक 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने न्यू इंडिया बनाने का लक्ष्य रखा है। हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जहां गरीबी से गरीब व्यक्ति को भी प्रगति के समान अवसर मिले, जहां भेदभाव, ऊंच नीच को कोई स्थान न हो, सबका सम्मान हो, जहां बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई और बुजुर्गों को दवाई ये प्राप्त हो, जीवन आसान हो, आम जन को व्यवस्थाओं से जूझना न पड़े, भ्रष्टाचार और दुराचार से रहित समाज भी हो और सिस्टम भी हो, ऐसे न्यू इंडिया की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने भारत और प्रशासन में कई सुधार किए हैं, प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। आज दुनिया हमारे इन कदमों को, हमने जो कदम उठाए हैं, आज दुनिया में चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही है। हम राष्ट्र निर्माण और जन भागीदारी का संबंध और मजबूत कर रहे हैं। नेपाल के सामान्य मानवी के जीवन को भी खुशहाल बनाने में योगदान के लिए 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को बहुत खुशी होगी, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं। साथियों, बंधुता तब और भी प्रगाढ़ होती है जब हम एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। मुझे खुशी है कि नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के तुरंत बाद मुझे आज यहां आपके बीच आने का अवसर मिला है। जैसे मैं यहां बार बार आता हूं, वैसे ही दोनों देशों के लोग भी बेरोक टोक आते जाते रहने चाहिए। हम हिमालय पर्वत से जुड़े हैं, तराई के खेत खलियानों से जुड़े हैं, अनगिनत कच्चे पक्के रास्तों से जुड़े हैं, छोटी बड़ी दर्जनों नदियों से जुड़े हुए हैं और हम अपनी खुली सीमा से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन आज के युग में सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, हमें और मुख्यमंत्री जी ने जितने विषय बताए मैं बहुत संक्षिप्त में समित कर लूंगा, हमें हाईवे से जुड़ना है, हमें इंफॉर्मेशन वे यानी आयुर्वेद से जुड़ना है, हमें ट्रांसवेज यानी बिजली की लाइन से भी जुड़ना है, हमें रेलवे से भी जुड़ना है, हमें कस्टम चेकपोस्ट से भी जुड़ना है, हमें हवाई सेवा के विस्तार से भी जुड़ना है, हमें इनलैंड वाटरवे से भी जुड़ना है, जल मार्गों से भी जुड़ना है। जल हो, थल हो, नभ हो या अंतरिक्ष हो, हमें आपस में जुड़ना है। जनता के बीच के रिश्ते नाते फले फूले और मजबूत हो, इसके लिए कनेक्टिविटी अहम है। यही कारण है कि भारत और नेपाल के बीच
कनेक्टिविटी को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री ओली जी के उनके साथ मिलकर मैंने जनकपुर से अयोध्या की बस सेवा का उद्घाटन किया। पिछले महीने प्रधानमंत्री ओली जी और मैंने बीरगंज में पहली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया था। जब ये पोस्ट पूरी तरह से काम करना शुरू करेगी तब सीमा पर व्यापार और आवाजाही और आसान हो जाएगी। जयनगर जनकपुर रेलवे लाइन पर भी तेजी से काम चल रहा है। भाइयों बहनों, इस वर्ष के अंत तक इस लाइन को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जब ये रेल लाइन पूरी हो जाएगी तब नेपाल भारत के विशाल रेल नेटवर्क से भी जुड़ जाएगा। अब हम बिहार के रक्सौल से होते हुए काठमांडू को भारत से जोड़ने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, हम जलमार्ग से भी भारत और नेपाल के जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल जल्द भारत के जलमार्गों के जरिए समुद्र से भी जुड़ जाएगा। इन जलमार्गों से नेपाल में बना सामान दुनिया के देशों तक आसानी से पहुंच पाएगा। इससे नेपाल में उद्योग लगेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये परियोजनाएं न केवल नेपाल के सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए जरूरी है बल्कि कारोबार के लिहाज से भी बहुत आवश्यक है। आज भारत और नेपाल के बीच बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। व्यापार लोग व्यापार लिए यहां वहां आते भी जाते रहते हैं। पिछले महीने हमें कृषि क्षेत्र में एक नई साझेदारी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी आप बता रहे थे, हमने एक नई साझेदारी की घोषणा की है और इस साझेदारी के तहत कृषि के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों देशों के किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए इस पर ध्यान दिया जाएगा। खेती के क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में हम सहयोग बढ़ाएंगे। भाइयों और बहनों, आज के युग में टेक्नोलॉजी के बिना विकास संभव नहीं है। भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के 5 टॉप देशों में है। आपको याद होगा, जब मैं पहली बार नेपाल आया था तब मैंने कहा था कि भारत नेपाल जैसे अपने पड़ोसियों के लिए एक उपग्रह भारत भेजेगा। अपने वादे को मैं पिछले वर्ष पूरा कर चुका हूं। पिछले वर्ष भेजा गया साउथ एशिया सैटेलाइट आज पूरी क्षमता से अपना काम कर रहा है और नेपाल को इसका पूरा पूरा लाभ मिल रहा है। भाइयों और बहनों, भारत और नेपाल के विकास के लिए 5T के रास्ते पर हम चल रहे हैं। पहला टी है ट्रेडिशन, दूसरा टी है ट्रेड, तीसरा टी है टूरिज्म, चौथा टी है टेक्नोलॉजी और 5वां टी है ट्रांसपोर्ट, यानी परंपरा, व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और परिवहन से हम नेपाल और भारत को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना चाहते हैं। साथियों, संस्कृति के अलावा भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक रिश्ते भी एक अहम कड़ी है।
नेपाल बिजली उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। आज भारत से लगभग 450 मेगावाट बिजली नेपाल को सप्लाई होती है। इसके लिए हमने नई ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई है। साथियों, 2014 में नेपाल की संविधान सभा में मैंने कहा था कि ट्रकों के द्वारा तेल क्यों आना चाहिए, सीधे पाइपलाइन से क्यों नहीं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने मोतिहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन का काम भी शुरू कर दिया है। भारत में हमारी सरकार स्वदेश दर्शन नाम की योजना चला रही है, जिसके तहत हम अपने ऐतिहासिक धरोहरों और आस्था के स्थानों को आपस में जोड़ रहे हैं। रामायण सर्किट में हम उन सभी स्थानों को जोड़ रहे हैं जहां जहां भगवान राम और माता जानकी के पग पड़े हैं। अब इस कड़ी में नेपाल को भी जोड़ने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां जहां जहां रामायण के निशान हैं, उन्हें भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ करके श्रद्धालुओं को सस्ती और आकर्षक यात्रा का आनंद मिले और वो बहुत बड़ी मात्रा में नेपाल आए, यहां के टूरिज्म का विकास हो। भाइयों और बहनों, हर साल विवाह पंचमी पर भारत से हजारों श्रद्धालु अवध से जनकपुर आते हैं। पूरे साल भर परिक्रमा के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी है कि जनकपुर और पास के क्षेत्रों के विकास की नेपाल सरकार की योजना में हम सहयोग देंगे। भारत की ओर से इस काम के लिए 100 करोड़ रुपयों की सहायता दी जाएगी। इस काम में नेपाल सरकार और प्रोविंशियल सरकार के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स की पहचान की जाएगी। ये राजा जनक के समय से परंपरा चली आ रही है कि जनकपुर धाम ने अयोध्या को ही नहीं पूरे समाज के लिए कुछ न कुछ दिया है। जनकपुर धाम ने दिया है, मैं तो सिर्फ यहां मां जानकी के दर्शन करने आया था। जनकपुर के लिए यह घोषणाएं भारत की 125 करोड़ जनता की ओर से मां जानकी के चरणों में मैं समर्पित करता हूं। ऐसे ही दो और कार्यक्रम है, बुद्धिस्ट सर्किट और जैन सर्किट। इसके तहत बुद्ध और महावीर जैन से जुड़े जितने भी संस्थान भारत में हैं, उन्हें आपस में जोड़ा जा रहा है। नेपाल में बौद्ध और जैन आस्था के कई स्थान हैं, ये भी दोनों देशों के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक अच्छा हमारा बंधन बढ़ाने का काम हो सकता है। इससे नेपाल में युवाओं के लिए रोजगार के भी अवसर जुटेंगे। भाइयों और बहनों, हमारे खान पान और बोलचाल में बहुत सारी समानता है। मैथिली भाषियों की तादाद जितनी भारत में है, उतनी ही यहां नेपाल में भी है। मैथिली कला, संस्कृति और सभ्यता की चर्चा विश्व स्तर में होती रहती है। दोनों देश
जब मैथिली के विकास के लिए मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे तभी इस भाषा का विकास और अधिक संभव होना आसान हो जाएगा। मुझे पता चला है कुछ मैथिली फिल्म निर्माता अब नेपाल भारत समेत कतर और दुबई में भी एक साथ नई मैथिली फिल्में रिलीज करने जा रहे हैं। एक स्वागत योग्य कदम है, इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार यहां मैथिली बोलने वालों की काफी ज्यादा संख्या है, वैसे ही भारत में नेपाली बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। नेपाली भाषा के साहित्य के अनुवाद को भी बढ़ावा देने का प्रयास चल रहा है। आपके ये भी बता दूं कि नेपाली भारत की उन भाषाओं में शामिल है जिन्हें भारतीय संविधान से मान्यता दी गई है। भाइयों बहनों, एक और क्षेत्र है जहां हमारी ये साझेदारी और आगे बढ़ सकती है। भारत की जनता ने स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। यहां बिहार और पड़ोस के दूसरे राज्यों में जब आप अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं और यहां की जनता जनार्दन का अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, जय सियाराम, जय सियाराम। धन्यवाद।